6 माह से नहीं मिला मजदूरी भुगतान उपार्जन केंद्र। सेमरीतला के मजदूरों ने जनसुनवाई में एसडीएम से लगाई गुहार। पिछले वर्ष कोविड काल में मजदूरों द्वारा सेमरीतला उपार्जन केंद्र में मजदूरी कार्य की बकाया राशि मजदूरों को आज तक नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने पिपरिया तहसील कार्यालय में एसडीएम नितिन टाले को शीघ्र संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान करने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी से अपील की। सेवा सहकारी समिति मर्यादित सेमरीतला में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन साल 2021-22 कार्य किया गया था, जिसमें संस्था प्रबंधक के कहे अनुसार हमारे द्वारा उपार्जित गेहूँ की तुलाई लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया। लोडिंग और अनलोडिंग कार्य की राशि ₹96,000 का भुगतान संस्था द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया। इस संबंध में विगत 6-7 माहों से कई बार संस्था प्रबंधक से समक्ष में उपस्थित होकर निवेदन किया जा चुका, लेकिन आज दिनांक भुगतान के लिए उचित जवाब नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में भी एक आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजदूरों की जीविका दैनिक मजदूरी से ही संभव है, भुगतान नहीं होना हमारी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। अतः इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेकर उचित दिशा निर्देश जारी कर समिति प्रबंधन को आदेशित करें, जिससे हमें राहत प्रदान हो सके। कोरोना काल में हमारे मजदूर घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस टाइम पे हमने सरकार की मदद की, शासन का मदद करी कि भाई हमारा उपार्जन का काम निपटा है। उसके बाद में हमको आज 8-7 महीने हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं मिली। मजदूरों की ये स्थिति, हम तो आपका सहयोग ही करते हैं। जब कोरोना काल में आदमी घर से नहीं निकल रहा, जब हमारा मजदूर काम करने के लिए काम कर रहा था धूप में, और उसी टाइम पर महामारी चल रही थी। साहब भी चेकिंग करने जाते थे तो हमसे बोलते थे, क्यों मर रहे तुम इधर इतने से पैसों में, तुम क्यों करने आए काम? उनकी साहब हम क्या खाएंगे, शासन का काम है तो हमको निपटाना पड़ेगा। इसलिए हम वहाँ हमने मजदूरी मेहनत की और 7-8 महीने में मजदूरों की यह स्थिति है, तो आगे चल के क्या होगा? हमने तो मजदूरी करी है, खून पसीना बहाया। यहाँ पर कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला? 30-40 आज आप यहाँ तहसील में आए, पिपरिया तहसील में आपके पास आए थे कि हम लोगों के लिए दुकानदार आए हैं बस स्टैंड से, तो हम लोगों के लिए दुकान मिले, हम लोग जाएंगे कहाँ दुकान हटाने के बोल रहे हैं नगर पालिका वाले सी एम साहब, बैठे 20-25 साल से। तो यहाँ तहसील में आपने क्या किया? आवेदन दिया। क्या बोला है साहब ने? क्या बोला कि 4-6 महीने बैठो आप लोगों को नहीं हटाएंगे हम, जब दुकान बनेंगी जब तुम लोगों के लिए दुकान देंगे, उसके बाद हम ज़्यादा पैसों में देंगे दूसरों लोगों के लिए, बाद ज़्यादा मिल गई तो ज़्यादा मिल गई, फिर आप लोगों को हिम्मत आप ले दुकान से नहीं लगाएंगे। कितने घूमती धारक है वहाँ पे? हम वहाँ पे 36 घूमती है सर। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।